अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमेर और आप देख रहे हैं उमेर वर्कशॉप। आज मैं इस इंक्यूबेटर के बारे में बात करूंगा जो कि पूरा का पूरा एल्युमिनियम पे यानी कि मेटल पे बना है और इसका जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 20 अंडे नॉर्मली आ जाते हैं, 30 से 20 तकरीबन छोटे अंडे 30 आते हैं और बड़े अंडे 20 आते हैं। इसमें जो हमने थर्मोस्टेट यूज़ किया है वो W1209 है जो हम नॉर्मली अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं। इसका क्या ऐसा ख़ास बात है कि दूसरे इंक्यूबेटर्स में, इसकी ख़ास बात यह है कि इसको हम गैस पे और कैंडल पे यूज़ कर सकते हैं और ये जो इनक्यूबेटर है काफ़ी अच्छा कारकर्दगी दिखा रहा है। नॉर्मली तौर पे हम जैसे ही इसमें नीचे चूल्हा रखते हैं तो बहुत हल्की आँच यानी कि ना होने के बराबर हम रखते हैं तो 5 मिनट के अंदर अंदर टेम्परेचर बन जाता है। जब वो टेम्परेचर बन जाता है हमारा तो ये जो सेंसर है, ये सेंसर जैसे ही फील करता है कि टेम्परेचर बन गया तो फिर टेम्परेचर जैसे ही ज़्यादा होता है तो पंखा ऑन करता है, ऊपर से जा रही सारी की सारी हीट ऊपर की तरफ फेंक देता है बाहर की तरफ। तो जितने टेम्परेचर चाहिए होता है उतने ही टेम्परेचर एग्स के पास बन रहा होता है। इसका फ़ायदा ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे इलाके जहाँ पे या तो बिजली होती ही नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है तो वहाँ पर इस तरह के इन्वर्टर यूज़ करे जा सकते हैं। तो बिजली हो ना हो ये वर्किंग करता है बैटरी के साथ, एक छोटी बैटरी तकरीबन ये वाली जो बैटरी नॉर्मली तौर पे 2 दिन आराम से फुल चार्ज होके सर्किट और बिग फैन और वो फ़ैन तीनों को चला सकती है एक साथ। लेकिन जो फैन ये आउट फेंकता है वो यानी कि एक मिनट में 3-4 दफ़ा चलेगा। तो उसके अंदर हम देख लेते हैं, इसमें अगर हम अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पे पानी का प्याला यहाँ पे रखा जाएगा। जैसे ही हीट गर्म होती है तो मिट्टी गर्म होती है, जैसे ही मिट्टी गर्म होती है तो ये गर्म रहती है, इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती। तो एक फ़ायदा हमारा ये भी होता है कि जो मिट्टी गर्म होती है तो मिट्टी को जो है उसकी जो हीट है वो जो है सर्कुलेट करता है। ये पंखा जो कि चलता रहता है ऑल द टाइम, ये वाला पंखा अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ऑल द टाइम चलता रहेगा। बहुत हल्की इसकी जो है कंजम्पशन होती है, बहुत कम कंजम्पशन होती है। और उसके बाद पानी यहाँ रखा जाएगा क्योंकि जब ये चीज़ जगह गर्म होगी, मिट्टी गर्म होगी तो ये भी फिर गर्म होगा। तो मेटल का प्याला हमने यहाँ पे रखना है, मेटल का प्याला जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये भी जो है हीटअप होगा पानी इसका, तो ये भी इवेपोरेट करेगा, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। दूसरा बेनिफिट जो है इसका ये है। इसके बाद यहाँ पे एग रखे जाते हैं और एग को 2 से 3 दफ़ा एक दिन में 2 से 3 दफ़ा टर्न करना होता है। इसके बाद ये जो सेंसर है यहाँ पर रखा हुआ है और इसका जो ये जो फ़ैन है, ये फ़ैन ये तब चलता है जब ये टेम्परेचर 38 से ऊपर जाता है तो फिर ये इसको मेंटेन करता है। यहाँ से फ़ैन खोलता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर बन रहा है इस तरफ, यहाँ से इस टेम्परेचर को खींच के बाहर फेंक देता है ऊपर से। उससे फ़ायदा ये होता है कि टेम्परेचर हमारा तकरीबन नॉर्मली 38 के अंदर अंदर बना रहता है। तो इसकी जो अपलोड हमने कर दी है वीडियो कि कैसे इसको बनाया जाए, इसकी सेटिंग और इसको किस तरह से अगर आप बनाना चाहते हैं, नहीं तो नॉर्मली तौर पे ये ज़्यादा बेहतर है। अगर आप और ज़्यादा सिंपल चाह रहे हैं करना तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा घी या ऑयल के कैनिस्टर आते हैं बिल्कुल इसी टाइप में, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मेटल में यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि मेटल में हमारा ये है नीचे की जगह, ठीक है, तो ये गर्म होती है, गर्म होती है तो यहाँ मिट्टी भी रखनी होती है। तो जब हमने सोचा कि मेटल नीचे होगा तो पूरा ही मेटल बना दें ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि नीचे बहुत हल्की यानी कि समझ लें कि मोमबत्ती जितनी एक हमें हीट चाहिए बस, तो पूरा पूरा वर्किंग यानी कि 100 वाट की बल्ब की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उससे भी ज़्यादा अच्छा वर्किंग करता है।